अगर कोई भी मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन कोई कंपनी है तो वो आईकू है। क्यों पता है? आईकू के फोन्स ना अपने सारे सेगमेंट पे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट वो निकाल के देते हैं विद बेस्ट फीचर्स के साथ। मैं सच बताऊं, आईकू के फोन्स के ना रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है। मैंने एक चीज नोटिस किया कि लोगों को अभी तक आईकू के बारे में पता नहीं है, या फिर उनको ये शायद किसी ने बताया नहीं कि आईकू का फोन अगर खराब हो ना तो वो रिपेयर होता है वीवो के सर्विस सेंटर में। तो इन शॉर्ट आईकू को मैन्युफैक्चर भी वीवो ही करता है। चलो इसी अंडररेटेड फोन के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टर मेटा के चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो, फ्लैगशिप फोन्स मतलब उसमें सारा फीचर्स आपको मिलता है, राइट? बट मैंने जितने भी फ्लैगशिप फोन्स यूज किए हैं अराउंड 50,000 के आसपास, सभी में मुझे ना सब कुछ सही मिला एक्सेप्ट गेमिंग। एंड यहीं पर ना आईकू शाइन करता है अपने टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के साइट के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है वन विन। एंड इस पर मेरा फेवरेट गेम है लकी जैट, जिसको खेल के मैं जो है मनी अर्न करता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर 3,000 रुपए डिपॉजिट किए, अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे। बस यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है, फिर डिपॉजिट पर क्लिक करके अपने फेवरेट पेमेंट मेथड पेटीएम पर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर अपना फेवरेट गेम लकी जेट खेलता हूँ, जो कि वन विन पे मिल जाएगा। अब मैं इस गेम को 2 बार खेलूंगा और अच्छे ऑड्स का वेट करता हूँ, और जैसे ही मनी राइज होगा मैं विन कर जाऊंगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा 2,325 रुपीज विन हो गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और वेट कर लेते हैं, देखिए 3,195 रुपीज फिर से मैं विन कर गया। अब दोस्तों मनी तो हमने विन कर लिया, लेकिन उसे विड्रॉ भी तो करना होगा, एंड विड्रॉ करने के लिए पेटीएम भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। और हाँ, मैंने वन विन का जो लिंक है उसको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। एंड दोस्तों, आप लोग अगर मेरे प्रोमो कोड को यूज करते जो कि है Tech10, तो आप लोग को मिलेंगे 25,000 तक का बोनस। एंड दोस्तों ये देखो, मेरा पेटीएम पे भी मेरा बैलेंस जो है आ चुका है। इनकेस आपको नहीं दिख रहा तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है वन विन का जो लिंक है उसको पिन कर दिया कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में भी, तो जाओ लिंक पे क्लिक करो एंड विन। तो दोस्तों, इस फोन को मैंने अमेजोन से मंगाया है, मेरा जो है व्हाइट कलर एडिशन है। एंड सच बताऊं, काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है बिकॉज ऑफ दिस डुअल टोन कलर। वेल, इस फोन को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, अभी नहीं मतलब लिटरली 10-15 दिन से यूज कर रहा हूं। यस, इसका वीडियो मैं काफी लेट लेके आ रहा हूं बिकॉज मैं टेस्टिंग कर रहा था। देखो, मैंने एक चीज जो ना आईकू के फोन में नोटिस किया वो इसका अपडेट है। मतलब कि ये वन ऑफ द फ्यू फोन है मार्केट में अवेलेबल जिसमें आपको करंटली एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। एंड मैंने एक और चीज काफी नोटिस किया कि ये फोन का जो ऑप्टिमाइजेशन है या फिर इसका जो ये फन टच ओएस है, सच में काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। इसको जब मैं यूज करता हूँ मुझे जरा सा भी शटर लैग नहीं होता, और इतनी स्मूथ फीलिंग देता ना ये कि मैं क्या ही बताऊं, लव हो जाएगा इसके यूजेस से। बट इसका यूआई जो है ना फिर भी टट्टी है। डिस्प्ले की बात करूं, 6.7 इंच का ये एक डिस्प्ले है, काफी बड़ा डिस्प्ले मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें जो है ना आपको E5 का पैनल मिल जाता है, साथ ही साथ ये HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, एंड इसका जो HDR या फिर पीक ब्राइटनेस जो है वो 1500 निट्स का है। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक 120 हर्ट्ज का पैनल है एक एमुलेट के साथ। अब आप सुन के बोलोगे भाई क्या ही डिस्प्ले होगा, बट नहीं, मैं बताऊं दोस्तों, इससे वे बेटर डिस्प्ले मैंने दूसरे फोन्स में देखा है, स्पेशली मैंने वन प्लस के फोन्स में भी देखा है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि देखो, डिस्प्ले लगाने से सब कुछ नहीं होता है, मतलब बैट पकड़ने से सब कुछ नहीं होता है, प्लेयर अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से ऑप्टिमाइजेशन में ना ये इसका डिस्प्ले लैग करता है, यानी कि इसका डिस्प्ले ओवरऑल एक लुक में तो काफी अच्छा देगा फीडबैक, लेकिन इसमें मुझे हल्का सा ब्लैक क्रश इशू महसूस हुआ है। तो रात में जब मैं कंटेंट देखता हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैंने इससे बेटर डिस्प्ले ऑलरेडी देखे हैं, यूज किए हैं, तो ये फर्क मेरे आंखों में एक सेकंड में मालूम पड़ जाता है। सेकेंडली दोस्तों, बात करूंगा मैं इसके स्पीकर्स के बारे में। यस, डुअल स्टीरियो स्पीकर तो है इसमें, बट ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर नहीं है मार्केट में, या फिर मैं जितना पैसा पे कर रहा हूं आई एक्सपेक्ट अ बेटर स्पीकर, ठीक है। हालांकि दोस्तों, स्पीकर का जो क्वालिटी है ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन काफी ज्यादा लाउडनेस में कमी आ जाती है। सो मैंने एक और चीज नोटिस किया है, मैंने जितने भी आईकू के फोन यूज किए किसी में आपको बेहतर स्पीकर नहीं मिलता। देखो, पहली बात तो आईकू का फोन जो भी लेता है उसको पता है कि आईकू के फोन से आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिल जाता है, राइट? इसीलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 8 प्लस जेन 1 वाला 90 परचेस किया, जिसमें आपको UFS 3.1 एंड LPDDR5 का सपोर्ट मिल जाता है। स्पेकशीट अगेन बहुत कमाल का है, राइट? एंड इसका परफॉर्मेंस एक्चुअल में काफी कमाल का है। यही सेम स्पेक मैंने वन प्लस के ना 10T में देखा था भाई। वन प्लस वाले ने ना उस प्रोसेसर का 8 प्लस जेन 1 का मजाक बना के रखा है। कुछ लोग मुझसे कमेंट पे ये बोल रहे थे कि वन प्लस की गलती नहीं है भाई, ये एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13 के अपडेट की गलती है। तो मुझे एक्सप्लेन करो, वही चीज आईकू का फोन में इतना बेटर कैसे चल जाता है, राइट? अब मैं आपको एक चीज एक और बोल देता हूं कि अगर आईकू के फोन्स में BGMI लैग करता है तो भाई कंप्लीटली BGMI की गलती है, बिकॉज BGMI जैसे फोन्स हमारे iPhone 14 पे लैग करते हैं, वहीं पर iPhone 14 पे अगर आप PUBG खेलते हो जो कि ग्लोबल है,
एकदम 90 FPS में स्मूथ चलता है और BGMI में 60 FPS में लैग करता है, तो बताओ गलती किसकी है। वैसे दोस्तों IQ से एक और चीज सीखना चाहिए बाकी कंपनियों को, वो है कि हीट किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैं सच बताऊं, वन ऑफ द फ्यू फोन है जिसमें आप BGMI भी खेलते हो ना या PUBG भी खेलते हो 90 FPS में, तो ये फोन में हीट होता ही नहीं है। यस, मैं इसमें जो है ना BGMI 90 FPS में खेलता हूं, थोड़े बहुत जुगाड़ लगा के, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने 90 FPS की गेमिंग में ना हीट ना के बराबर नोटिस किया है, थैंक्स टू इस न्यू 8 प्लस जेन 1 की टेक्नोलॉजी जिसको TSMC ने बनाया, एंड सैमसंग का MC निकल गया। वैसे गेमिंग करते वक्त इसका जो टच रिस्पॉन्डर है ये काफी ज्यादा कमाल गया, 360 का आपको टच मिल जाता है एंड इंस्टेंट टच भी आपको 1000 के ऊपर मिल जाता है, तो एकदम एक्यूरेट है। IQ से मैं पता है क्यों प्यार करता हूँ, बिकॉज IQ ना कभी भी कंजूसी नहीं करता किसी भी सेक्टर में। कैमरा ही ले लो, 50 MP का प्राइमरी लेंस, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, ठीक है। आप यही फीचर है ना स्पेक्स, आप वन प्लस के फोन में जाओ जो कि लगभग सेम रेंज में आता है, क्या मिलता है उसमें, उसका ना आप स्पेक्स देखोगे ना आपको गुस्सा आ जाएगा। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी V1 प्लस की टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो आपको रियल टाइम इमेज को शो करता है, मतलब कि आप रियल टाइम, आपको समझेगा नहीं तो मैं एग्जांपल दे दूं कि अक्सर हम जब फोटो खींचते हैं तो पता है हमारे स्क्रीन पे थोड़ा सा वो प्रोसेस होने के बाद आता है राइट, उसका प्रीव्यू, वही प्रीव्यू ये आपको फोटो खींचने के पहले रियल टाइम पे दिखा देगा। ये है खासियत V1 प्लस चिप की। इतने नहीं दोस्तों, ये जो चिप है आपके बाकी गेमिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड दोस्तों इसके मेन कैमरा में आपको OIS का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो ये एक बहुत ही कमाल का है। एंड पर्सनली इसका कैमरा इसी प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 50 में ना भाई, इससे बेहतर कैमरा आपको नहीं मिलने वाला। 16 MP का फ्रंट कैमरा है, यहाँ पर थोड़ा सा वीवो वाला टेक्नोलॉजी यूज किया, थोड़ा सा फेयर एंड लवली वाला टच मिल जाएगा, लेकिन स्टिल भाई बहुत अच्छा कैमरा इसका फ्रंट में भी। यहाँ पर आउटपुट आप देख सकते हो, सेल्फीज देख सकते हो, काफी अच्छा है। 4700 mAh की बैटरी, ठीक है, ऊपर से 120W का फास्ट चार्जिंग। IQ भैया यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इतना फास्ट टेक्नोलॉजी मत दो। मैं सुसु भी करने जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा फोन ओवरचार्ज हो रहा है, मैं नहाने भी जाता हूँ तो ऐसा लगता है मेरा फोन ओवरचार्ज हो रहा है, भाई इतना जल्दी ये फास्ट होता है ना। एंड ऊपर से जैसा मैंने बताया, सिर्फ 4nm बेस्ड प्रोसेसर है इसमें, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का एमुलेट डिस्प्ले के साथ। कौन सा ऑप्टोमाइज करके रखे हो भाई, बैटरी तक नहीं गिरता है। मैं डुअल सिम के साथ पूरे पूरे दिन वाईफाई ऑन करके, ब्लूटूथ ऑन करके मैं गेम खेलता हूँ, ये खेलता हूँ, मतलब मैं क्या बताऊँ। अगर आप एक हैवी यूजर हो ना, यस आपको शाम तक चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन चार्ज भी चुटकी में हो जाएगा। और अगर आप मीडियम यूजर हो ना, तो आपका डेढ़ दिन या एक पूरा दिन कहीं नहीं गया। इस फोन का बैटरी बैकअप वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है इस सेगमेंट में, मैं आपको बता। आयर ब्लास्टर जिससे आप मॉल में जाए कोई भी टीवी कंट्रोल कर सकते हो, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बिल्कुल अल्ट्रासोनिक की तरह काम करता है, टच करने पे सट से खुल जाता है। अब आप में से कुछ लोगों को लगा कि IQ ने मुझे पैसा दिया है, अरे मेरे भाई सच को सच ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं, आप मुझे बताओ। अब सच में ये फोन को जब मैंने यूज किया, आप जानते हो रिसेंटली मेरे चैनल पे चले जाओ तो मैंने यहाँ पर वन प्लस का 10T भी यूज किया है राइट, तो जो मुझे फोन अच्छा लगा, आप लोग के पैसे है भाई, वैल्यूएबल मनी होता है उसको, मैं चाहता हूँ कि आप सही प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करो राइट, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आप देखो, मेरे को बुरा इस फोन में एक ही चीज लगा, वो है इसका OS जो मुझे इतना खास पसंद नहीं है, ये बहुत खिचड़ी हो जाता है, इसमें ना काफी ज्यादा भर के ब्लॉटवेयर आते हैं। मैं सच बताऊं IQ भैया, आपसे आपको भी एक बात बोलनी है मुझे कि भाई जब आप प्रीमियम फोन बनाते हो तो ब्लॉटवेयर क्यों डालते हो। अभी आपने इस फोन का प्राइसिंग 50-55,000 रखा है, 1-2,000 और ले लो ना यार, पे करने वाले 2,000 वहां पर ही पे कर देंगे। कम से कम फोन को तो प्रीमियम लेवल का रखो, ये ब्लॉटवेयर फोल्डर डाल के भाई कितना गंदा लगता पता है। ओवरऑल दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है, 50,000 अगर आप खर्चा कर रहे हो तो IQ पे ही जाना। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो ये फोन को मैं बार बार बेचूं फिर मैं दूसरा फोन लूंगा, अगर आप इस तरीके के कैटेगरी के यूजर में हो तो IQ को मत लेना, बिकॉज इसमें इसका रीसेल वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इस फोन का जो परफॉर्मेंस पार्ट हो गया, या फिर इसका ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हीट कंट्रोल हो गया, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बैटरी लाइफ हो गया, इतने सारे चीज इस फोन में आपको बढ़िया मिल जाते हैं ना, मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ IQ के 90 पे ही मिलता है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, एंड नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड हाँ, वन विन को भी ट्राई जरूर देना, ठीक है, नीचे मैंने कमेंट में एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में, टेक के ध्यान रखिएगा, बाय।